ओके okay, आपको खरीदना है 10,000 के नीचे एक स्मार्टफोन और आप हो चुके हैं परेशान कि भाई कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डिजाइन के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करने वाला स्मार्टफोन की। ठीक है, डिजाइन सबकी अपनी खुद की पसंद होती है। मैं स्मार्टफोन दिखाऊंगा ना जब आपको स्क्रीन पे, तो आप खुद ही पसंद कर लेना कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आया, क्योंकि कुछ दिनों बाद दो तीन हफ्तों बाद क्या, कुछ लोग तो 4-5 दिन बाद ये कवर लगा लेते हैं स्मार्टफोन पे, तो डिजाइन तो गया भाई, समझ जाओ बस तुम। ठीक है, तो डिजाइन का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। मैं भी खुद ही यार डिजाइन तो छोड़ो, डिजाइन देख के लेता हूं स्मार्टफोन और फिर बाद में कवर लगा लेता हूं, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो डिजाइन भाई आप खुद डिसाइड करना कि आपको किस स्मार्टफोन का पसंद आया। आज मैं आपको ना 3-4 कैटेगरी है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्मार्टफोन बताने वाला हूं, जिसके अंदर यार ऑलमोस्ट सारे यूजर कवर हो जाएंगे 10,000 तक के, जिसको स्मार्टफोन खरीदने हैं वो वाले। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की। अब बेस्ट देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बेस्ट में ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही टॉप नॉच होगा। ठीक है, देखो बेस्ट तो कोई चीज होती नहीं, ठीक है, इस बात को तो ध्यान लगा लो। बट उस रेंज के अंदर 10,000 के अंदर कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है जिसकी परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की। आखिर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कौन कौन से हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो कि आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये भी तो होंगे जिसको रियलमी नहीं लेना, वीवो नहीं लेना, ओप्पो नहीं लेना, एमआई नहीं लेना, तो उनको भी तो चाहिए स्मार्टफोन, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और होने वाले बेस्ट कैमरा फोन की, भाई कैमरा किसका अच्छा होने वाला है वो वाला भी एक स्मार्टफोन बता दो, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद लास्ट जो बारी निकल के आती है वो होने वाली है बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन जो कि आप खरीद सकते हो 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनके हिसाब से मैं आपको फोन बताने वाला हूँ जिसके अंदर सारे यूजर कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन से, तो वो होने वाला है रियलमी नार्जो 30A। आंख बंद करके आप ये स्मार्टफोन ले सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए फोन के अंदर, अगर आपको गेमिंग करनी है स्मार्टफोन के अंदर, तो ये स्मार्टफोन जाके ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अकॉर्डिंग टू प्राइस सेगमेंट जो 10,000 का है ना, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको प्रोसेसर काफी सही देखने को मिलता है, अगर हम इसे कंपेयर करें सारे और स्मार्टफोन से जो कि 10,000 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मीडियाटेक का हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है इसके अंदर। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसका कैमरा कमजोर होने वाला है, बैटरी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, 6000 mAh की बैटरी होने वाली है 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ। गेम खेलो जल्दी से फोन चार्ज भी हो जाएगा, और बड़ी बैटरी है तो लेट भी बैटरी फूकेगी। तो मैंने आपको बता दिया है 6.5 inches की HD+ की डिस्प्ले भी होने वाली है इसके अंदर। ऑलमोस्ट स्पेक्स बता के कोई फायदा नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ रियलमी नार्जो 30A बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन होने वाला है अंडर ₹10,000। दूसरी कैटेगरी निकल के आती है बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन। तो भाई देखो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन में आपको बताऊं ना 10,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो वो होने वाले है दो कंपनी की तरफ से। एक तो अपनी देश की कंपनी माइक्रोमैक्स, दूसरी होने वाली है सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, देखो सैमसंग की जो फोन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि आप खरीद सकते हो अंडर ₹10,000, वो होने वाला है सैमसंग MO2S। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 inches की HD+ की वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 13 megapixel का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है। 5 megapixel का फ्रंट कैमरा होने वाला है। 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। टाइप सी का सपोर्ट होने वाला है। 15W की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफी ठीक ठाक सी है सैमसंग के इस फोन के अंदर। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन काफी सही है अगर आप सैमसंग लवर हो ना और 10,000 के नीचे कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, तो ये स्मार्टफोन जाके खरीद लेना। वीवो ओप्पो में अपना दिमाग मत चलाना। जो मैं आपको स्मार्टफोन बता रहा हूँ सैमसंग MO2S, ये काफी सही रहेगा अगर आप ढूंढ रहे हो 10,000 के नीचे एक सैमसंग का स्मार्टफोन। दूसरा जो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है वो है हमारा माइक्रोमैक्स वालों की तरफ से, माइक्रोमैक्स In1। अब इस स्मार्टफोन के अंदर ना आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ की एक होल पंच डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो डिस्प्ले तो अच्छी होने वाली है क्योंकि फुल HD+ की देखने को मिलने वाली है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बताई सारी आपको HD+ डिस्प्ले बताई, फुल HD+ इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। हीलियो का G80 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 48 megapixel का आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है। सेंसर 48 megapixel में कौन सा है, सैमसंग का है, किसका है, ये कोई भी पता नहीं है। ठीक है, किसका कंपनी का सेंसर लग रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और जो इसके अंदर बैटरी है वो आपको देखने को मिलने वाली है 5000 mAh की विद टाइप सी का सपोर्ट, और 18W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलने वाला है, और स्टॉक एंड्रॉइड आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो काफी अच्छी बात है, इस स्मार्टफोन को आप जरूर से जरूर कंसीडर कर सकते हो। 9,999 रुपए का आपको ये पड़ेगा, 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तीसरी जो कैटेगरी आती है ना, वो आती है हमारी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 10,000 rupees। तो यार वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होने वाला है हमारा मोटरोला G10 Power। अब इस स्मार्टफोन के अंदर ना आपको 6.5 इंच की एक HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, वाटर ड्रॉप
टॉप नॉच के साथ स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर होने वाला है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप होने वाला है। तो 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 काफी अच्छी बात है। 6000 एमएच की बैटरी 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है स्मार्टफोन। आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का देखने को मिलता है इसके अंदर, मतलब एक सिम या एक मेमोरी कार्ड या तो दो सिम ही चलाओ, ठीक है, ये सिस्टम है हाइब्रिड मतलब। अब भाई यही बात है, अगर आपको सैंपल्स चेक करने हैं ना तो इन स्मार्टफोन के, तो आप नेट पे डाल देना मोटोरोला G10 पावर कैमरा सैंपल, तो आप वहां पे जाके चेक कर लेना अपने हिसाब से, और आप रिसर्च कर लेना तो आपको और पता लग जाएगा। बट मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि मोटोरोला G10 पावर का कैमरा काफी अच्छा है 10000 रुपए के अंदर। और हाँ, कैमरा की यार अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं, किसी को बिल्कुल ही जो दूध मलाई कर देता है अपनी शक्ल को, आपको पता ही है बिल्कुल ब्यूटी मोड इनटू 100 जो बना देता है। काफी सारे स्मार्टफोन आते हैं वीवो के, तो वो तो मैं तो डालता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ओप्पो वीवो उनका घटिया प्रोसेसर होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं उनको प्रेफर करता, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो डिटेल निकाल के देगा आपको, बिल्कुल ही स्मूथ तो नहीं देखो, मतलब डिटेल्ड फोटोज आपको देखने को मिल जाएगी, आपको स्किन टोन्स काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, तो मतलब ओवरऑल आपको कैमरा अच्छा देखने को मिल जाएगा मोटोरोला G10 पावर के अंदर, इसलिए मैंने आपको वो फोन रिकमेंड करा है, बाकी आपकी मर्जी है। और जो लास्ट कैटेगरी होने वाली है ना, वो होने वाली है बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो दो स्मार्टफोन है जो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस है, वो है यार देखो माइक्रोमैक्स इन वन, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ काफी अच्छा स्मार्टफोन है। और जो दूसरा होने वाला है ना, वो होने वाला है यार अपना रेडमी वालों की तरफ से रेडमी 9 प्राइम। बस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा थोड़ा कमजोर देखने को मिल जाता है, बट ओवरऑल स्मार्टफोन काफी सही है प्राइस के अकॉर्डिंग। फुल HD प्लस की डिस्प्ले, हेलियो G80 का प्रोसेसर, 5020 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, बट 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, कॉस्ट कटिंग कर रखी है। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है दोनों के ही अंदर, और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के अंदर पीछे की साइड देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन आपको 10,000 के देखने को मिल जाएंगे, स्मार्टफोन 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और एक लास्ट में एक फोन और बताना चाहूंगा जो कि इन्फिनिक्स वालों की तरफ से आता है, मैं रिकमेंड तो नहीं करना चाहता, बट अगर किसी को बड़ी डिस्प्ले चाहिए ना और अच्छी सी बैटरी चाहिए मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो एक इन्फिनिक्स का हॉट 10 स्मार्टफोन है जो कि 6.7 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है, HD प्लस की डिस्प्ले होने वाली है, पंच होल आपको देखने को मिलने वाला है टॉप एंड लेफ्ट साइड में जो कि काफी अच्छी बात है, 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, हीलियो का G70 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन को मैंने लिस्ट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि यार देखो इसका जो वो है ना OS ऑपरेटिंग सिस्टम यार वो थोड़ा iOS है, ठीक है, तो यार वो उसके अंदर एड्स देखने को मिलती है, प्री इंस्टॉल्ड काफी ज्यादा ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं, और मतलब इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। देखो मैंने यूज करा है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड करना नहीं चाह रहा था, बट ओवरऑल एक काफी सही सा पैकेज है, अगर आप लेना चाहो तो वो स्मार्टफोन ले सकते हो, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 6.78 इंच की डिस्प्ले आने वाली है इसके अंदर, और मूवीज देखने के लिए काफी सही रहेगा सीरियसली। 4GB रैम प्लस 64GB की प्राइस आपको 9,500 रुपए देखने को मिलती है, तो खरीद सकते हो अगर खरीदना चाहते हो। अगर आप पे पूरे 10,000 रुपीज नहीं है तो इन स्मार्टफोन के आप बेस वेरिएंट जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की भी, जो कि 3GB 32GB ऐसे करके भी मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कलर आप सबकी खुद की चॉइस होती है, खुद ही ढूंढ लेना कौन सा कलर आपको चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है ना वहीं से जाके खरीदना सभी स्मार्टफोन की, अच्छे से मैं आपको लिस्टिंग दे दूंगा बेस वेरिएंट की भी और जो 4GB 64GB वाला बताया वो भी। यही सब था इस वाली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना अगर काम पसंद आए, मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहो हमारे साथ, और बोलते रहो भारत माता की जय।